ओरिफ्लेम के साथ। इनकी जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। जब इन्होंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया कुछ प्रोडक्ट्स पाने के लिए, और वहां से इनकी जर्नी की शुरुआत हुई और लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इन्होंने न सिर्फ अपनी लाइफ को बदला बल्कि अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की लाइफ को परिवर्तित किया। एक ऐसी लेडी जिनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, इमोशनली स्ट्रेस्ड रही, लेकिन हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही। मिलवाना चाहूंगा आप सबसे सफाई डायरेक्टर अमनदीप कौर से। सो ओवर टू यू अमन, प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड म्यूट योर माइक। हेलो अहद, आई थिंक जी और आपकी हेलो अहद, एम आई ऑडिबल? जी जी अमन, बिल्कुल क्लियर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Myself, Amandeep Kaur, proud Sapphire director from Ludhiana branch. Puri Oriflame India family and my Diamond Hemanda winning team ke liye Punjabi Puri ke naam se famous hoon. Yahan main aap sab ke saath apni kuch journey share karne wali hoon kyunki management team ne, and thank you so much Ahad and Shefali, aap sab ne mujhe ye mauka diya ki aaj main apni journey aap sab ke saath share kar paun, apne kuch experiences share kar paun. लेकिन ओरिफ्लेम की जर्नी शेयर करने से पहले मुझे एक स्टोरी शेयर करनी है जिसकी वजह से आज मैं ओरिफ्लेम में हूँ एंड खुद भी इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ और दूसरों को भी मोटिवेटेड रख पाती हूँ। 2011 द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जिस कल्चर से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ बेटा होना या सेकेंड इशू होना बहुत जरूरी माना जाता है कि फैमिली इनकम्प्लीट है। सो उस चीज के लिए मुझे भी ऐसे ही लगता था, तो जिंदगी का एक यही मोटिव था कि हाँ बस अब तो सेकेंड इशू हो जाए। कुछ भी, इतना ट्रीटमेंट करवाया मैंने, लेप्रोस्कोपी हुई, सर्जरी भी हुई एंड सब कुछ, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड बहुत ही लो फील करती थी। तो डिसाइड किया कि चलो IVF के लिए ट्राई करते हैं। तो जब मैं IVF के लिए गई तो वहां पता चला कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। जो सारा ट्रीटमेंट मेरा हुआ उसकी वजह से सर्जरी वाइल कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो कि जिसकी वजह से मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया। तो मुझे तब मुझे ये हो गया कि अब तो जिंदगी जैसे थम सी गई है, क्योंकि जा तो कहीं और रही थी लेकिन पहुंच तो कहीं और ही गई मैं। सो बहुत डिप्रेशन में जाने लगी और ये फील होता था कि अब तो क्या करूंगी, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली था। पहले भी बोला जाता था कि आप तो ओनली ग्रेजुएट हो, आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो कुछ सेल्फ इनकम नहीं है। तो जब आप बीमार होते हो तो ये बातें आपको ज्यादा पिंच करती हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो पापा के पास गई और इवन उनको भी कंप्लेंट कर डाली कि क्यों कर दी शादी, जबकि मैं ओनली 19 and a half की थी, और 19-20 साल में क्या होता है कि इतना तो आपको समझ भी नहीं होती। और कब पापा को बोला क्यों नहीं स्टैंड होने दिया, अब मैं क्या करूं, और उनको भी कंप्लेंट कराई जो कि नहीं बनती थी। बेटी भी देख रही थी कि मम्मा को क्या हो गया, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो गगन भी देख रहे थे मेरे हस्बैंड कि ये तो टूटती ही जा रही है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अमन आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करो। 2 महीने वो मुझे अपने साथ अपने बिजनेस में लेकर भी गए, लेकिन नो, मेरा तो वहां पे अभी कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो भी छोड़ छाड़ के घर आ गई। तो चेंज कहां हुआ मेरा, कि जैसे ही मैं ओरिफ्लेम के लिए एक मुझे वेरी मी बहुत पसंद थी, तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, या तो मैंने लॉगिन करा ओरिफ्लेम में। तो वेरी मी के लिए मैंने ये 2011 में आप देख रहे हो ये वाली अमन को, तो मैंने ये एक प्रोडक्ट लेने के लिए ओरिफ्लेम ज्वाइन किया। तो लेकिन तभी जब मेरा फर्स्ट पार्सल आया तो ये सब फैमिली को नहीं बताया था मैंने, क्योंकि जैसे ही वो पार्सल आया तो उसमें से एक फ्लायर निकला जिसपे लिखा था ज्वाइन टू पीपल एंड ये ब्यूटीफुल वॉच आप ले सकते हो। तो
तो मैंने मई 2012 में ज्वाइन करा था, तो मैंने जून में गगन का बर्थडे था, तो जो पर्सन मेरे लिए इतना कर रहा था कि ये एक स्माइल कर दे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इनको सरप्राइज करूं खुद कुछ करके। तो मैंने बस ढूंढने शुरू, सर्कल बिल्कुल नहीं था, यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बस थोड़े से फ्रेंड्स थे एक दो, तो उन्हीं को कॉल लगाकर बोला प्लीज ज्वाइन करो एंड आप लोगों को मतलब मुझे हस्बैंड को वॉच देनी है, सीधा ही बोल दिया। तो दो लोग ज्वाइन करवाकर जब मैं फर्स्ट मीटिंग में गई तो मुझे ये लगा कि वहां पर मॉनसून क्वीन कॉन्टेस्ट था, तो वहां मुझे ये लगा कि वहां मैंने अपने ड्रीम्स शेयर करे क्योंकि कभी किसी ने पूछे नहीं थे। तो जब मुझे मैंने टाइटल विन करा मॉनसून क्वीन का, तो मैंने वहीं से गगन को कॉल लगाई कि यस गगन, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, मैं मुझे यहाँ पे अब कुछ करना है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ तो ना तो क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं ना तो इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, बस ये है कि हाँ आपके आप कुछ कर सकते हो। तो डिसाइड किया मैंने, वहां से स्टार्ट हुई मेरी ओरिफ्लेम जर्नी। घर पर यही सोच रहे थे कि कर ले कुछ, इतना तो होने नहीं वाला है, हाँ एक वॉच लेनी है इसने ले ले। तो लेकिन ज्वाइन करने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जिन्होंने मेरी जिंदगी का मोटिव चेंज कर दिया, क्योंकि मेरी टीम मेंबर्स, जहां यहाँ थैंक्स करना चाहूंगी उन सब लोगों का जिन्होंने मुझ पर बिलीव करा, क्योंकि उन लोगों के सपने तब मैं जी रही थी, उन लोगों तब मुझे ये लाइफ का पार्ट भी पता चला कि जिंदगी ऐसी भी होती है जहां उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, हस्बैंड अर्न नहीं कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों का ये था कि उनकी कोई पहचान नहीं थी, तो बस उन चीजों में लग गई, भूल गई कि मैं बीमार हूँ, भूल गई मुझे हर वीकली इतना स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगता है पेट में, और गगन को भी ऐसे लगा कि ये तो अब बहुत खुश रहती है, जिंदगी थोड़ी चेंज होने लगी, क्योंकि उन लोगों के ड्रीम्स जीने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे मेरी पहचान मिल रही थी, मैनेजर लेवल हुआ 15% 18% और अच्छा लगने लगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही मैं डायरेक्टर टाइटल पर आई तो फिर वही सवाल उठ गया साल के बाद कि अब आपने बहुत कर लिया, मनी मैटर नहीं करती। ये मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब घर से ये बोला जाए कि पैसा मैटर नहीं कर रहा, आपको अपनी फैमिली की तरफ देखना है, दोबारा से वही दिन मुझे डर आने लगे कि बोला गया कि आप डॉक्टर के पास जाओ, तो जब गए तो डॉक्टर ने बोला नहीं अभी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, अभी मेडिसिन का असर ब्लड में है तो ये हम नहीं कर सकते। तो फिर से मुझे ओरिफ्लेम में वही चीजें दिखने लगी, और ये एक ड्रीम क्लियर था कि जो पिन मैंने लिया डायरेक्टर टाइटल की, वही मैंने अपने डाउन में उन लोगों को दिलवानी है जिनका पैशन बहुत स्ट्रांग है, तो उनके साथ बस स्टार्ट कर दिया हार्डवर्क एंड सीरियसली। बहुत जल्दी कहते हैं ना, जैसे मैंने 2013 में एंड में अपना टाइटल डायरेक्टर टाइटल कंप्लीट करा, तो 2015 में मैंने अपना गोल्ड स्टार्ट कर दिया, लेकिन दो साल के बाद गोल्ड का 3 महीने पूरे हुए थे जब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब मुझे फिर ये डिसाइड हुआ और मेरा भी माइंड डाइवर्ट किया कि नहीं बहुत हो गया अब आपका, आप सेट हो, आपका एक खुद का नेम है, अब आप फिर से IVF के लिए ट्राई करो। तो कम्प्लीटली बेड रेस्ट होती है इसमें, तो डाउनलाइन को भी बता नहीं सकती थी, टीम को भी बता नहीं सकती थी कि क्यों मैं बेड रेस्ट पे हूँ। पूरा 1 महीना IVF चला और उसकी जो प्रोसेस होता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। एंड उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट भी हुई, टूट गई काफी, मैं उस चीज को वापस जाती ही नहीं हूँ क्योंकि अब बहुत लाइफ चेंज हो चुकी है, फिर से वही चीजें आ गई लाइफ में, लेकिन ओरिफ्लेम ने मुझे यहाँ टूटने नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास एक मोटिव था। गगन ने तब स्टैंड लिया, फैमिली में बोला गया कि अब नहीं, अब हमारे दो ही बच्चे हैं, एक ओरिफ्लेम एक जैस्मिन, और इसी चीज पे आप और अमन आपको कंसंट्रेट करना है। एंड तब यहाँ एक और चीज बताना चाहती हूँ, इन द वेरी बिगनिंग मुझे लैपटॉप भी सही से ऑपरेट नहीं करना आता था, कोई टू व्हीलर नहीं चलाना आता था, कार भी नहीं चलानी आती थी, सो थैंक्स टू माई हस्बैंड जिन्होंने मुझे इतना पॉलिश करा कि मैं इन सब चीजों को ऑपरेट कर पाई, और मेरी स्पीड जो है डबल हो गई, क्योंकि तभी उन्होंने मुझे स्टाफ अपॉइंट करके दिया, क्योंकि उन्होंने बोला आप अब फील्ड पर जाओगे, अब आपने ये SPO का सारा काम स्टाफ रख करेगा, इवन घर पर भी फुल डे कुक रख के दिया कि अब आप इन चीजों में नहीं पड़ोगे। तो
तभी मेरी ग्रोथ ऐसी हुई कि 2016 में मैंने डबल टाइटल ओपन करा, सीनियर गोल्ड एंड सफायर, एंड सफायर कंप्लीट करा मैंने अपना 2017 में. सो ये जर्नी थोड़ी इमोशनल जरूर है, लेकिन हाँ ये जिया मैंने इसलिए क्योंकि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग थी. एक फैमिली रिलेशन के जैसे हम लोग रहते थे, तो इजीली हम सब लोग बॉन्डिंग में करते गए और मेरे टाइटल ओपन. और यहाँ जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने अपना खुद का एक क्लब लॉन्च करा, स्पार्कलिंग दीवाज, जो कि बिलोंग करता है डायमंड हेवन द विनिंग टीम को, थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे ऑफलाइन लीडर से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पे कन्वर्ट किया. उन्होंने मुझे बहुत ये गाइड किया कि अमन आपने ऑफलाइन बहुत काम किया. जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैं ऑफलाइन लीडर ही थी, लेकिन सनी सर ने मुझे काफी गाइड करा, जिसकी वजह से मेरा हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया. तो इसी वजह से मेरे टाइटल्स आने स्टार्ट हो गए. तो हार्ड वर्क करना तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन उसको डायरेक्शन देने में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी. तो यहाँ जब हम सिस्टम की बात करूं, तो थीम बेस्ड मीटिंग जो है वो मेरी हमेशा थीम बेस्ड मीटिंग होती है. जैसे कि अभी बैसाखी निकल के गई है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ पंजाब में. मैं पूरा टोटली अपने पूरे ग्रुप में खूब इस फेस्टिवल को एंजॉय कराते हुए लोगों को अपनी स्पार्कलिंग दीवार टीम का हिस्सा बनाती हूँ. एंड होम मीट के लिए मेरा पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा मतलब मशहूर है, जिसको बोलती हूँ कि उनको लगता है कि हाँ होम मीट्स में. मुझे भी यही फीलिंग आती है कि जब हम होम मीट्स करते हैं तो हमें एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है इजीली. वहां पर एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को सुन पाते हैं, वो अपने इमोशन शेयर कर पाते हैं और हम लोग अपने इमोशंस बता पाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अचीव करा. एंड आप लोग भी उसी चीज को कर सकते हो, और वो हमें अपने आप को देखते हैं कि अगर इन्होंने कर पाया तो हम भी कर पाएंगे. तो मैसेज कन्वे इजीली हो जाता है जब हम होम मीट्स करते हैं. सो ट्रेनिंग तो मैंने बताया ऑफलाइन. आप कुछ मेरी पिक्चर्स मैं शेयर करूंगी जिसमें के आप देख सकते हो कि मेरी मीटिंग्स जो है ऑफलाइन तो काफी होती थी, लेकिन अब वीकली, जैसे कि हमारी 6 डेज का प्लानिंग होती है डायमंड हेवन की तरफ से, तो हम सब लोग मिलकर एक फैमिली की तरह हम ट्रेनिंग्स को करते हैं. सो इससे बहुत इजी ग्रोथ हुई है, काफी नए टाइटल्स आए हैं. लास्ट मंथ भी मेरे टीम में 2 सीनियर डायरेक्टर्स आए. तो लीडरशिप डेवलपमेंट में मेरा पूरा फोकस होता है, जिसको बोलती हूँ कार्बन कॉपी होनी चाहिए. जैसे आप खुद हो वैसे ही आप ये करो कि आपके टीम में भी वही लोग वैसा ही काम करते हैं. ये एक नेचुरल थिंग है कि जब आप लोग जैसा आप करते हो वही फॉलो करते हैं आपकी टीम के लोग. सो डुप्लीकेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ या जैसा मैं फील्ड वर्क कर रही हूँ या जैसे मैं इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, सेम विद माय टीम. हम सब एक फैमिली की तरह, बहुत ही फेमिलियर सा एटमॉस्फेयर होता है हम सबकी जो मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स में. जैसे कि ये कैलेंडर प्लानिंग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जलंधर में मेरी कैटलॉग लॉन्च चाहे कंपनी की तरफ से हो या ना, मेरी कैटलॉग लॉन्च जरूर होती है. जैसे आउट ऑफ स्टेशन भी मेरा नेटवर्क है, तो उसका भी कैलेंडर प्लान होता है. मंथली कैलेंडर प्लानिंग के साथ साथ मेरे कुछ लीडर्स मेरे साथ वीकली कैलेंडर भी प्लान करते हैं कि इस वीक हमने कितनी L2s करनी है, कितनी L3s करनी है. सिंपल तो है, लेकिन सिंपल वे से हम इसको, बिजनेस को बहुत प्लान्ड वे से करते हैं, सो दैट द रिजल्ट जो है वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं. तो L2, L3 एंड प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा, पहले तो ये प्रोस्पेक्टिंग के नाम से मैं बहुत डरती थी, क्योंकि फैमिली ऐसी थी कि जिससे बिलोंग ऐसे करते थे कि उनको लगता था कि नहीं, प्रोस्पेक्टिंग तो बिल्कुल नहीं करोगे. लेकिन अब मुझे उन चीजों में बहुत मजा आता है. एंड नो डाउट फैमिली टाइम भी मैं देती हूँ. मेरे पापा पूरे मतलब बेड पर हैं, तो उन लोगों को मैं लेकर भी कई बार जाती हूँ घूमने के लिए. क्योंकि थैंक्स टू ओरिफ्लेम, जिसने मुझे जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐसा टाइम मिलता है कि मैं अपनी फैमिली को घुमाने लेकर जा सकती हूँ, और तब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ, बींग अ डॉटर, मैं अपने पापा को खुद घुमाने लेकर जाती हूँ. तो आप यहाँ पर हमारी वेल प्लान मीटिंग्स देख सकते हो, पूरे स्पार्कलिंग दिवस क्लब की ट्रेनिंग्स हैं, L2s हैं, L3s हैं. एंड एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने की वो मेरी एक 450 लोगों का मैंने फर्स्ट टाइम इवेंट करा इन 2017
17 जहाँ के बहुत वेल प्लान्ड था हमारा, जिससे हमें काफी रिजल्ट्स भी आए। और पहले तो बहुत डर था कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन जब मैंने वो किया उसके बाद मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो इन मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स को प्लान करते करते मेरी जर्नी ऐसे बढ़ी कि मैंने कई नए डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स क्रिएट करे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग्स की कुछ पिक्स हैं, छोटे छोटे मेकअप ट्यूटोरियल्स हम लोग करते हैं जिससे कि लेडीज को सुंदर दिखना तो हर किसी को अच्छा लगता है, तो बस वो सुंदर बनाना और खूब लोगों को हंसाना, इवन ट्रेनिंग्स में भी मेरा सब इसी में कंटिन्यू होता है। दैट्स द मेन रीजन लोग भर भर के ट्रेनिंग्स में आते हैं एंड उन लोगों को अच्छा लगता है, ट्रेनिंग लेकर उनको बहुत प्रोफेशनल फील आती है। सो यहाँ जो ट्रेनिंग्स आप देख रहे हो वो हर वीकली प्लान्ड कैलेंडर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। सो बेस्ट मोमेंट्स की बात करूं तो ओरिफ्लेम का हर मोमेंट बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप तो मैंने अकेले लिया था, लेकिन अगर वहां पर मैं ये कमिट कर आई थी, खुद से कमिटमेंट की थी कि नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप में मैं अपने हस्बैंड को साथ में लेकर जाऊंगी। सो ये मेरा क्रूज का ट्रिप है जो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करा, तो वहां हमने खूब इंजॉय करा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात मेरी बहुत आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हर साल जब भी हम फॉरेन ट्रिप जाते हैं तो वो अगस्त में आता है, और अगस्त में जैस्मिन का बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे होता है, और उसका बर्थडे मैं पिछले लास्ट जितने फॉरेन ट्रिप लिए मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई, लेकिन कोविड इसका तो ये मैंने नाम कम ही लेना था क्योंकि सभी ले रहे हैं तो मैं नहीं लूंगी। लेकिन हाँ, इसमें भी मुझे एक पॉजिटिव चीज मिली है कि इस बार स्पेन मैंने अपनी बेटी को लेकर जाना था, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अब मुझे ये मौका मिला है कि 2 टिकट तो मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। सो अब नेक्स्ट ईयर हम पूरी फैमिली स्पेन में जैस्मिन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड बेस्ट मोमेंट, जो कि सफर स्टार्ट किया था एक वॉच से, एंड आप लोग सोच सकते हो कि वो सफर कैसा लग रहा होगा जब आप अपने हस्बैंड को अपनी खुद की इनकम से वॉच रुपीज 16 लाख कार गिफ्ट करते हो। तो मैं हर मीटिंग में ये बोलती हूँ कि बताओ कौन सी वाइफ है जो अपने हस्बैंड को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकती है। यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओरिफ्लेम, ओरिफ्लेम की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। एंड थर्ड जो मेरी रिकॉग्निशन, इसने मुझे रिकॉग्निशन, तो मेरा ड्रीम यही था कि मैं कभी भीड़ से अलग दिखूं, तो और तो कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं जिसमें कि आप ऐसा फील करो कि हाँ आप भीड़ से अलग दिख पाओ। हाँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म था जहां मुझे अनाउंस किया गया इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग नंबर 13। तो ये मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट है जहां क्योंकि लुधियाना ब्रांच में तो बहुत बार रिकॉग्नाइज हुई थी, लेकिन ड्रीम था क्या कभी इतनी बड़ी स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलेगी और वो भी इतने कम लोगों में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग नंबर 13 पोजीशन मैंने अचीव करी। सक्सेस मंत्रा जो है वो वेरी सिंपल है मेरी लाइफ का, ऑलवेज एक स्माइल, फन एंड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रखना। मेरे डाउनलाइंस और मेरी पूरी टीम या उन सब लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है, किसी में तो मैं अपनी मदर को देखती हूँ, किसी में मैंने अपनी सिस्टर को देखा है, एंड किसी में अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा है। सो उन लोगों के साथ ऐसा काम है कि हम हर मंथ एक पिकनिक जरूर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो आउटडोर हो, गुरुद्वारा दर्शन हो, या हम घर पे किसी ना किसी लीडर का बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि तब मैं उन लोगों की अपलाइन नहीं होती हूँ, तब मैं उन लोगों के साथ उनकी फ्रेंड होती हूँ, तब उन लोगों के और इमोशंस बाहर आते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा फील होता है कि उन लोगों के और सपने जो होते हैं वो मैं उनके साथ कर पाती हूँ, वो मेरे साथ शेयर कर पाते हैं, और मुझे एक मोटिव मिलता है उनके साथ और काम करने का। क्योंकि इसी गेट टुगेदर में मुझे मेरे एक लीडर ने बोला कि कभी जिंदगी में सर के ऊपर एक छत आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि घर खुद का नहीं है। एंड आज मैं हर मीटिंग में उनका नाम लेती हूँ तो प्राउड फील करती हूँ ये बताते हुए कि शी इज 53-54 ईयर ओल्ड, और मैं हम दोनों ने मिलकर इतना हार्ड वर्क करा कि आज उन्होंने ओरिफ्लेम से अपना घर लिया। एंड ये फीलिंग कि कोई स्टेज पर जाकर ये बोल रहा है थैंक्स अमन, ये पॉसिबल हुआ आपकी वजह से, तो वो सब चीजों से बड़ी है, कैश अवार्ड से भी बड़ी फीलिंग है। फन तो ऑलवेज मेरी मीटिंग्स में बहुत ज्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे हंसना और हंसाना बहुत अच्छा लगता है जो मेरी मीटिंग्स होती हैं। इवन मैं तो अपने कॉन्फ्रेंसेस को भी ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि
लग्जरी तो है हर कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि क्या लग्जरी तो है ही है कि आप लोग ऐसी फीलिंग ले सकते हो कि आप कॉन्फ्रेंस पे हो और इतने पोज बनाकर आप अपनी पिक्स क्लिक क्लिक करवा रहे हो, और तब भी वो जबकि फोटोग्राफर आपका खुद का हस्बैंड है, तो वो फीलिंग आप एज ए हाउसवाइफ तो ले ही नहीं सकते हो। तो ये चीजें लोगों को अटैच कर जाती हैं आपके आपने आपके साथ। नेवर गिव अप की बात करूं तो कंसिस्टेंसी, अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम बोले कंसिस्टेंसी, तो इसमें यहाँ बोलना चाहूंगी मेरे मम्मी और दीदी ये बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को मेरी हेल्थ की बहुत टेंशन रहती है, तो ये बोलते हैं, पंजाबी में बताती हूँ फील ज्यादा आएगा, पता नहीं की कर दी रहती है, रुक दी नहीं, जिद्दी बहुत है, ये लगता फिर कुछ नवा ही करके दिखाएगी। मीन्स कि ये नॉन स्टॉपेबल है, ये रुकती नहीं है, ये थमती नहीं है, पता नहीं अब तो ये कुछ और ही नया करके दिखाएगी। सो ड्रीम बिग एंड अचीव बिग, क्योंकि सच में सपने बड़े देखना, पहले डरती थी कि क्या पूरे होंगे, लेकिन यस, अगर आप में खुद की विल पावर स्ट्रांग है और आपका मन साफ है, तो वाहेगुरु जी ऑलवेज विद यू, हार्डवर्क को भी वो आगे तक लेकर जाते हैं। एंड सीरियसली मैंने जो ड्रीम अपने पूरे करे हैं, सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि पापा को जो कंप्लेंट करके आई थी इन 2012, तो अब जब भी मैं जाती हूँ, न्यूज लेटर हाथ में लिया था जो पहली बार पिक आई थी, तो मैंने पापा को ये बोला, पापा हमेशा बोलते हैं अब कि मेरा डायमंड आ गया, तो क्योंकि मेरी अचीवमेंट को देखकर वो बोलते हैं, मेरी दीदी लेक्चरर है, ब्रदर मेरा डॉक्टर है, लेकिन पापा बोलते हैं कि अमन तुमने तो उन दोनों से आगे आकर दिखा दिया, ग्रेजुएट करके आपने वो काम कर दिया। तो न्यूज़लेटर में बोलती हूँ पापा, मैं कॉलेज टाइम इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, कभी कॉलेज मैगजीन में पिक नहीं आई, लेकिन मेरी अचीवमेंट है कि मैंने ओरिफ्लेम न्यूज़लेटर में पिक आई। तो पापा के पास गई दीदी, पापा देखो ओरिफ्लेम में मेरी पिक आ गई। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, कर भला सो हो भला, दूसरों के ड्रीम्स को खुद पे जिया, खुद पे ऐसा लगता था कि वो नहीं, उनके ड्रीम नहीं है, मेरे खुद के ड्रीम है। जब भी स्टेज पर कोई भी मेरा लीडर जाता है तो शायद मेरी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल लीडर भी हूँ। तो शायद होप मैंने आपको एक अच्छे वाला मैसेज कन्वे कर पाई हूँ कि हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में, जो है हवाओं के रुख में बहते हुए चलते हैं वो कुछ अलग नहीं कर पाते, लेकिन मजा तो तभी है जब आप हवाओं को चीर कर उलट दिशा में जाकर दिखाओ। एंड जब आपको बार बार बोला जाए कि पैसे की नीड नहीं है, लेकिन फील ये हो कि सोने की थाली है आपके आगे, 36 पकवान है उसमें, लेकिन आपको परमिशन ही नहीं है, आपको फ्रीडम ही नहीं है, तो उसके लिए काम करो। और मतलब अपना आप लोग सब लोग अपने हीरो खुद हो, तो आप लोग कर सकते हो, सभी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई कर सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे डायमंड करना है, एंड क्योंकि मेरी अपलाइन कवरप्रीत बग्गा ने हमेशा मुझे डी कुड़िया के नाम से बुलाते हैं, वो इवन फोन नंबर भी उन्होंने डी कुड़िए सेव करा है, डायमंड कुड़िए। एंड बेटी के लिए करना है, क्योंकि इजी नहीं था उसके लिए जब वो 7 साल की थी, जब मैंने वो रिफ्लेम ज्वाइन किया था, क्योंकि हर टाइम उसके साथ रहती थी, वो भी मेरे साथ रहती थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए था मम्मा को फील्ड में भेजना और खुद अकेले रहना। तो उसने मुझे ये बोला कि मम्मा आप करो, टेंशन नहीं लो, मैं पढ़ाई में नीचे नहीं जाऊंगी, इवन वो भी मेरिट होल्डर है। एंड उसने अभी मैं आज शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने पहले वीडियो ऑफ करने का सोचा था, लेकिन उसकी ये हार्डवर्क, वो रात को ये सब मेरे लिए बनाकर सोइया, ऑल द बेस्ट, जस्ट कीप स्माइलिंग, You can do it and I love you mom. So उसके लिए करना है, क्योंकि जैसे कामनी मैम ने बोला था कि कोई भी और हीरो या हीरोइन आपकी बच्ची का फेवरेट नहीं होना चाहिए, आपकी बेटी के फेवरेट आप खुद होने चाहिए। सो आज मैं अपनी बेटी की फेवरेट हूँ, क्योंकि उसने बोला मम्मा पहले मैं बोलती थी मेरी मम्मा हाउस वाइफ है, अब मैं प्राउड से ये बोलती हूँ कि मेरे मम्मा सफायर डायरेक्टर हैं ओरिफ्लेम में। सो उसके लिए करना है, एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मुझे डेप्थ चाहिए, मुझे अपने सभी टीम मेंबर्स
को गोल्ड पर लेके आना है, क्योंकि जहां मैं खड़ी थी गोल्ड टाइटल पे, मुझे सब उन सबके लिए अब गोल्ड टाइटल्स चाहिए, तो इसके लिए मैं काम करूंगी। एंड में बस यही कहना चाहती हूँ कि जो रिग्रेट की पेन होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। रिग्रेट जो है ना, वो आपको जिंदगी में हर टाइम ये पछतावा रहता है कि काश मैं कर पाती, काश मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर पाती। लेकिन जो हार्डवर्क की पेन होती है ना, उसमें सेक्रीफाइस तो बहुत है देखो, लेकिन आपको वो लेकर जाता है सक्सेस की ओर। और मुझे ऐसे लगता है कि हार्डवर्क की पेन बहुत अच्छी है रादर देन जो रिग्रेट की पेन है। तो दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो जो खुशियां ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों को पैसे की, जैसे कि इस कोरोना वायरस की वजह से काफी लोग हैं जो जॉबलेस हो जाएंगे। सो प्लीज आप अपना कैलिबर ढूंढिए और उसको फील्ड में लेकर आए, नए लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। शायद कोई और भी अमन हो जो आपको ब्लेसिंग दे कि हाँ थैंक यू, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। होप सभी को मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाई। सॉरी अगर मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ की हो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन। नहीं, बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल था और मुझे लगता है बिल्कुल दिल से आपने बोला है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच अमन, वेरी इंस्पायरिंग। एंड अगेन आई थिंक सर्कमस्टेंसेस सामने नहीं आते हैं जब आपका गोल इतना क्लियर होता है। सो दिस इज व्हाट आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज लर्नड। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू टू अचीव योर ड्रीम। कीप rising, keep going forward. Thank you so much, Shivali. All right, ladies and gentlemen, और अब समय हो चला है कि हम लुधियाना नॉर्थ इंडिया से आपको ले चलें नॉर्थ ईस्ट में। और जब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं, तब मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाना चाहता हूं जो कि एक बहुत ही सिंपल प्राइमरी स्कूल टीचर थी।